आदाब नाज़रीन, मैं आपका दोस्त सैयद बसरुद्दीन आपका खैर मकदम करता हूँ आप ही के चैनल डेक्कन डाइजेस्ट में। आइए देखते हैं हैदराबाद कर्नाटक रीजन के आज की चार बड़ी खबरें, जिसमें से पहली है कारवार जिले में पकड़ा गया 52.5 किलो गांजा, और दूसरी गुलबर्गा में हुए एक एहतजाज की नाकामी की वजह से सियासतदान नाराज, और तीसरी बीदर जिले में बनाए गए एक अस्पताल जिसका नाम ब्रिक हॉस्पिटल है उसमें सही सहूलियत ना मिलने की वजह से मरीज और आम अवाम नाराज, और चौथी खबर है बीदर में लागू किए गए ट्रैफिक के नए कानून। तो आइए अब इन तमाम खबरों का तफसील से जायजा लेते हैं। जो पहली खबर है जिसमें 52.5 किलो गांजा जिला कारवार में पकड़ा गया है, और इस गांजे की तस्करी को लेकर पुलिस कमिश्नर MN नागराज ने बयान देते हुए कहा है कि जो ड्राइवर इस वारदात में पकड़ा गया है वो जिला बिदर के तालुका बसवा कल्याण का रहने वाला है, और उसने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि ये गांजा भालकी के दो शख्स जिनका नाम विक्रम राठौड़ और SB मुद्दा बताया जा रहा है इनकी मिल्कियत है, और साथ ही में इस जो ये गांजा पकड़ा गया है इसकी पहली इंफॉर्मेशन बिदर जिले के पुलिस कर्मचारी द्वारा दी गई थी, और इस गांजे की तस्करी को पकड़ने के बाद जो पुलिस वालों ने इसमें मेहनत की थी उन्हें इनाम भी दिया गया। और जो दूसरी खबर है कर्नाटक में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर गुलबर्गा के कांग्रेस प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार की जानिब से एक एहतजाज रखा गया, जिसकी नाकामी की वजह से कांग्रेस ही के एक सियासतदान जिनका नाम उमर जुनैदी है उन्होंने एक ऑफिशियल वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इसकी नाकामी के पीछे सरासर जगदेव गुत्तेदार की वजह से यह एहतजाज नाकाम हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस एहतजाज में पहले तो कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आमंत्रण नहीं दिया, उन्हें नहीं बुलाया, और दूसरी बात यह कि उस एहतजाज के लिए बनाए गए बैनर में MLA कलीसा फातिमा की भी तस्वीर नहीं गई, जिसकी वजह से कई सारे कार्यकर्ता नाराज हुए, और उमर जुनैदी ने इस चीज के ऊपर एक बयान देते हुए ऑफिशियल वीडियो भी जारी किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल 9 जुलाई को गुलबर्गा में गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जानिब से एक एहतजाज मुनक्किद हुआ, जिसमें कर्नाटका में हो रहे MLA के खरीदो फिरोख के खिलाफ में ये प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री जगदेव गुत्तेदार जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से और तमाम गुलबर्गा के आवाम के नजर में एक फेल प्रोटेस्ट हुआ। ऐसे पुरफितन हालात में जब कांग्रेस के इख्तदार में रहने वाले MLA बीजेपी के हाथ में बिक रहे हैं या अपने पर्सनल इश्यूज की तरफ से कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, सरकार गिरने पर आ गई है, ये समझें कि सरकार लंगड़ी और लूली हो चुकी है, उस पुरफितन दौर में जब कांग्रेस के सपोर्टर्स कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ खड़े रहने की बात करते हैं, यहां पर जगदेव गुत्तेदार साहब प्रोटेस्ट का आयोजन करते हैं जहां पर कई कार्यकर्ताओं को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कई लीडर्स को इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जो प्रोटेस्ट जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं होता है, वहां पर 40 से 50 लोग नजर आते हैं जो ठीठी ठाटा करते हुए नजर आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोग आपके प्रोटेस्ट में जुड़े हुए थे उन्हें अवाम उन्नास की कोई फिक्र नहीं है, सरकार की कोई फिक्र नहीं है, पार्टी की कोई फिक्र नहीं है। और हां, रही बात कांग्रेस के वर्कर्स की, कांग्रेस के कार्यकर्ता की, जब इलेक्शन आता है कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको नजर आता है, जब कोई काम करना रहता है, किसी पर सुपरविजन करना होता है या ग्राउंड में जाकर के काम करना होता है, सोशल मीडिया के वॉरूम्स में काम करना होता है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आते हैं। जब टेंडर पास होता है कांग्रेस का कार्यकर्ता नजर नहीं आता, जब नॉमिनेशन देना होता है कांग्रेस का कार्यकर्ता नजर नहीं आता, जो MLA MP के आसपास में घूमने वाले लोग होते हैं उन्हें पोस्ट दिया जाता है, फिर भी कार्यकर्ता 5 साल में एक बार इलेक्शन पर आवाम उन्नास के लिए डेवलपमेंट के लिए आपको वोट देता है। तो दूसरी अहम बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से रहीम खान साहब के डिसीजन को लेकर के एक आवाम में बेचैनी पैदा हुई, उसी तरीके की बेचैनी आज गुलबर्गा नॉर्थ के
जनता के बीच पैदा हुई है, वो किस तरह से पैदा हुई, इसके वजह क्या है। जगदेव गुत्तेदार साहब जो प्रोटेस्ट आयोजित करते हैं, उस प्रोटेस्ट का जो बैनर होता है, उस बैनर में मैडम कनीस फातिमा साहिबा की फोटो नजर नहीं आती, जबकि गुलबर्गा नॉर्थ क्या फोटो नहीं डाल रहे हैं। और उसके दूसरे दिन ये न्यूज मिलती है कि जो सीएलपी की कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो मीटिंग होती है, उसमें मैडम कनीस फातिमा साहिबा एबसेंट होती हैं, किसी वजह से नहीं जाती हैं। तो आवाम उल्लास में ये बेचैनी है, क्या बैनर पर फोटो नहीं है, मीटिंग में वो मौजूद नहीं है, क्या उनका भी डिसीजन बीजेपी को लेकर के डगमगा रहा है, कांग्रेस का उनका डिसीजन डगमगा रहा है, क्या वो भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को जाएंगी, ये आवाम उल्लास में बेचैनी पैदा हो रही। और जो इसके बाद वाली खबर है, बिदर में तामीर किया गया है एक नया अस्पताल जिसका नाम ब्रिम्स हॉस्पिटल है, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। वहां पर ठीक तरह की सहूलियत ना देने की वजह से, जैसे दीवारें कच्ची और हर जगह कचरा बिखरा हुआ और कोई भी बैठने की फैसिलिटी ना होने की वजह से मरीज और आम अवाम वहीं नीचे बैठकर डॉक्टर्स का इंतजार करने पर आमादा, और लिफ्ट लगाई गई मगर खराब लिफ्ट की वजह से मरीजों को ऊपर लाने में भी तकलीफ हो रही है। जब इन तमाम चीजों के बाद कई सारे सियासतदानों का वहां पर दौरा हुआ, मगर फिर भी इन तमाम चीजों के बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, किसी भी चीज को सुधारा नहीं गया। चौथी बड़ी खबर जो जिला बिदर की है, जिला बिदर में ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से नए कानून लागू किए गए, जिसमें अगर कोई शख्स तेज रफ्तार गाड़ी चलाता है तो उससे पहले 300 रुपए जुर्माना वसूला जाता था, मगर अब उसकी कीमत बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। और दूसरा, मोबाइल अगर कोई इस्तेमाल करता है गाड़ी चलाते हुए तो उससे पहले 100 रुपए जुर्माना लिया जाता था, मगर अब अगर वो पहली मर्तबा पकड़ा जाता है मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए तो उससे 1000 रुपए वसूले जाएंगे, और वो दूसरी मर्तबा यही हरकत दोहराता है तो उससे 2000 रुपए वसूले जाएंगे। और तीसरा ये कि अगर कोई शख्स बिना इंश्योरेंस के अपनी गाड़ी चलाता है तो उससे पहले 500 रुपए जुर्माना वसूला जाता था, मगर अब उसकी कीमत बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। और अगर कोई शख्स बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी गाड़ी चलाता है तो उससे पहले 500 रुपए जुर्माना वसूला जाता था, मगर अब उसकी कीमत बढ़ाकर अगर वो पहली मर्तबा पकड़ा जाता है तो उससे 5000 रुपए वसूले जाएंगे, और अगर दूसरी बार भी अगर वो यही हरकत दोहराता है तो उससे 10000 रुपए वसूले जाएंगे। और अगर कोई शख्स नो पार्किंग पर अपनी गाड़ी पार्क करता है तो उससे पहले 100 रुपए वसूले जाते थे जुर्माने के तौर पर, मगर अब उससे 1000 रुपए लिए जाएंगे। और अगर कोई शख्स बिना एफसी के यानी कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट की अपनी गाड़ी चलाता है तो उससे पहले 100 रुपए वसूले जाते थे, मगर अब उससे 5000 रुपए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मगर आप अपना साथ हमारे लिए इसी तरह बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की और खबरों के लिए आप बने रहें।